हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीएफ का जो बैलेंस है उसको किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने पीसी में ब्राउजर ओपन कर लिया। यह स्टेप आप अपने मोबाइल में भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में आपको सर्च बार पर सर्च करना है ईपीएफओ, यह लिख के आपको इसमें सर्च कर लेना। तो आपको इस प्रकार की एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, आपके सामने ईपीएफओ की इस प्रकार से एक वेबसाइट ओपन हो जाती थी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ई पासबुक। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। ई पासबुक पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने यूआर नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। पासबुक पे लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूएन नंबर और पैन कार्ड नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपके जो पीएफ अकाउंट है उसमें अगर पैन कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो वो आपको लिंक करवा लेना। उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से विजिट करके चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से पैन कार्ड लिंक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट मेंबर। तो यहाँ आपको सिलेक्ट मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी पासबुक है उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस प्रकार से तीन जो है ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो आपकी जो वर्तमान में पासबुक है या आपकी जो वर्तमान में पीएफ करता है उसकी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, सेकेंड वाले ऑप्शन में आपने जो अपना पीएफ का क्लेम करवाया उसका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। आपने किस तारीख को जो है अपने पीएफ अकाउंट में क्लेम किया था तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें अपने पुराने पासबुक की डिटेल देखने को मिल जाती है कि आपने अभी तक कितने जो ट्रांजेक्शन है वो की, तो उन सब की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको ओल्ड वाली पासबुक में देखने को मिल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप वर्तमान में जो आपका पीएफ करता है उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू पासबुक यानी न्यू ईयरली पे। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद फ्रेंड्स, आपकी जो पासबुक है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद फ्रेंड्स, आपकी जो पासबुक है उसकी डिटेल पूरी इस प्रकार से शो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने जो लास्ट एक साल की जो पीएफ है उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है कि एक साल में जो है आपका कितना पीएफ कटा है और आपका जो अकाउंट उसमें ऐड हुआ तो उसकी डिटेल कंप्लीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लास्ट में कुल बैलेंस देखने को मिल जाता है कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप अपनी जो पासबुक है उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डाउनलोड पासबुक पे क्लिक करके जो इसके पीडीएफ आपको अपने लैपटॉप या फोन में सेव भी कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे डाउनलोड पासबुक पे क्लिक करके आपको जो पीडीएफ वो सेव कर लेनी है। उसके बाद में डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके ये जो फाइल इसको अपने पीसी या मोबाइल में सेव कर ले। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप अपने जो पीएफ अकाउंट है उसका बैलेंस